ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्कूल जो सबसे अनूठा है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई की हर आधुनिक सुविधा है, लेकिन यहाँ शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। आइए आपको भी दिखाते हैं ये अनूठा स्कूल। आलिशान बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम, शानदार म्यूजिक क्लास, एयर कंडीशन्ड रूम में पढ़ाई। किसी भी महंगे स्कूल से कम नहीं है ये। आप भी सोच रहे होंगे कि इस स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं तो यहाँ फीस भी मोटी वसूली जाती होगी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। पंजाब के लुधियाना में चलाया जा रहा यह स्कूल एक और मायने में खास है। यहाँ दौलतमंदों के नहीं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, किताबें और दूसरी जरूरी चीजें भी मुफ्त में दी जाती हैं। इस स्कूल में नर्सरी से पांचवी तक की पढ़ाई कराई जाती है। बच्चे एयर कंडीशनर वाले हाईटेक क्लासरूम में बैठते हैं, जहां इन्हें मिलता है ट्रेंड टीचर्स का गाइडेंस। जिनके बच्चे यहां पढ़ते हैं वो तारीफ करते नहीं थकते। यहां पे दो बच्चे पढ़ते हैं, एक एलकेजी में है बेटी और एक सेकंड क्लास में है। दोनों बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। यहाँ के स्टाफ टीचर बहुत अच्छे हैं सारे। एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ से, क्योंकि हम और किसी स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। बुक्स, नोट्स बुक्स, बॉटल, हर एक चीज़ यहाँ पे हमें फ्री मिल रही है। और हम इस स्कूल का शुक्राना बहुत मतलब दिल से करना चाहते हैं कि हम शायद हम शुक्राना हमें समझ भी नहीं आ रहा किस वर्ड से हम करें कि हमारी इतनी हेल्प हो रही है यहाँ। ये स्कूल चला रही है एक गैर सरकारी संस्था। इसकी नींव रखी जसविंदर पाल सिंह ने। लोगों का कहना है कि इस स्कूल में जैसी सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, वैसी सुविधाएं दूसरे स्कूलों में मोटी फीस देने के बाद ही मिलती है, जो उनके पास में नहीं है। एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। बाकी स्कूलों में जैसे 15-20 हज़ार रुपया भी लग जाएगा, छोटी क्लासों में स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एजुकेशन मिल रही है और ऊपर से जो हमारी सिख उसमें गुरबानी भी हमारे बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, हमारी संगत उसमें है, इससे अच्छा हमें और कुछ मिल ही नहीं पा रहा। कहते हैं समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो और इरादे मजबूत हों तो कामयाबी जरूर मिलती है। ये स्कूल इस बात की सबसे मजबूत मिसाल है। विद्या विचारी ता पर उपकारी, विद्या विचारी ता पर उपकारी, ता पर उपकारी। आओ एक एक लोड़वंद गुरसिख बच्चे दी बां फड़िए। विद्या विचारी ता पर उपकारी।